आप हमारे चैनल में पहले आए हैं तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, फिर बेल आइकन को दबाइए, और अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। थैंक यू। आपको हमारा चैनल डेवलप गुरु में स्वागत है। आज हम बात करेंगे भागलपुर रांची त्रिसप्ताहिक एक्सप्रेस और भागलपुर सहरसा एक्सप्रेस मार्च महीने से ही चलेगी। आखिर तक जरूर सुनेगा और अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि ऐसे न्यूज़ में लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। होली के पहले भागलपुर रांची और सहरसा के लिए ट्रेन चलेगी। रेलवे बोर्ड ने परिचालन के लिए हरी झंडी दे दी है। भागलपुर रांची एक्सप्रेस में जनरल स्लीपर AC 3 AC 2 का कोच रहेगा। JDRCC के पूर्व सदस्य आशुतोष कुमार ने बताया कि ट्रेन परिचालन के लिए पूर्व रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलवे के अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी। इसमें टाइमिंग और रूट पर चर्चा हुई। इस बैठक में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने ट्रेन परिचालन शुरू करने का निर्देश दिया। पूर्व मध्य रेल सहरसा और भागलपुर के बीच ट्रेन चलाने जा रही है। इस ट्रेन का परिचालन मार्च से शुरू होगा। अधिकारों के अनुसार सहरसा से सुबह ये ट्रेन 8:30 बजे खुलेगी और दिन के 1 बजे भागलपुर पहुँचेगी। वहीं भागलपुर से दोपहर 3 बजे खुलेगी और 7:30 बजे सहरसा पहुँचेगी। दक्षिण पूर्व रेलवे के CPTM सुमित्रा विश्वास ने कहा कि मार्च से रांची भागलपुर त्रिसाप्ताहिक एक्सप्रेस परिचालन शुरू करने का सहमति मिली है। थैंक यू।